नमस्कार, सत श्री अकाल, वणकम। आप सभी को ऑल इन मीडिया में फिर से स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हुए डॉक्टर एपी सिंह सर, हु इज अ वेरी सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। सर, आपका ऑल इन मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आजकल ना चंद्रचूड़ जी बड़े परेशान चल रहे हैं। मैंने सुना है वो भरी बेंच में खड़े होकर बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा भारत मुझे ट्रोल कर रहा है। तो इनकी ट्रोल वाली गाथा क्या है? मतलब क्या परेशानी, क्यों ट्रोल हो रहे हैं बार बार? नहीं, वो उनकी समस्या ये है। वो समस्या एक्चुअली इसलिए हुई, इस समय अनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुन रही है, सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट की सेम सेक्स मैरिज को लेके। तो सेम सेक्स मैरिज को लेके लगातार सुनवाई चल रही, पूरे पूरे दिन सुनवाई चलती है। तो अब लोग वो मेल मेल नहीं, फीमेल फीमेल, मिक्स बायोलॉजिकल, लड़का लड़की, इस तरह की बहुत समस्या पैदा हो गई। अब लोग कहने लगे हैं तो ये किस में जाएगा, जेल कौन सी होगी? अभी जेल मेल की है, एक फीमेल की जेल है, तो इसमें कौन सा जाएगा? अगर मेल फीमेल में चला गया तो उसका क्या होगा? इतने दिनों से महिलाएं बैठी हैं, तो फिर अगर फीमेल मेल में चली गई तो उनका क्या होगा, उस महिला का क्या होगा? मिक्स, मतलब इस तरह से कैसे होगा? तो जेलें अलग बनेगी, क्या होगा 125 का, क्या होगा डीबी एक्ट, क्या होगा और 498 406 क्या होगा, 304 डॉरी डेथ वाले मामलों का क्या होगा, सक्सेशन क्या होगा, इंश्योरेंस क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, गार्जियनशिप का क्या होगा, इस तरह से बुजुर्ग बुढ़ापे में आके क्या होगा, कौन किसको रखेगा? सक्सेशन गार्जियनशिप में बच्चा बच्ची को लोग गोद लेंगे, सरोगेसी वाले लॉ पे क्या होगा, सरोगेसी फेल हो जाएगी? तो इन सब बातों को लेके बड़ी चर्चा चल रही देश में। अब युवा देखते हैं, आप देखते हैं सोशल मीडिया पर कि वो कहते हैं नहीं, चीफ साहब कह रहे हैं कोई लड़का लड़की नहीं होता है, कोई मेल फीमेल नहीं होता है, फ्लर्टी ऑफ सेक्स है, कुछ नहीं, इधर उधर, मैं मराठा कॉलेज में जाऊंगा, मैं लड़कियों वाले में जाऊंगा, मैं लड़कियों के टॉयलेट में जाऊंगा, मैं लड़कियों वाली सीट पे बैठूंगा, मैं लड़कों वाली पे बैठूंगा, ये इस तरह से पूरा चल रहा है। तो इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस समय हम देश में ट्रोल हो रहा है। अब बड़ा दुख लगा हमें सुन के कि ट्रोल हो रहा है, ट्रोल शब्द अच्छा नहीं लगा हमें, क्योंकि और लोगों के लिए चल जाए, राजनेताओं के लिए चल जाए, हास्य कवि के लिए चल जाए, अभिनेता नेता व्यापारी सबके लिए चला दो, लेकिन देश के दूसरे बड़े व्यक्ति हैं, महान माननीय देश की महामहिम हमारी राष्ट्रपति होती है प्रथम व्यक्ति। और देखिए भारत की विडंबना ही है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, फिर भी वो राष्ट्रपति ही कही जाती है। ठीक है, महामहिम होती है पहले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। प्रधानमंत्री हमारे दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, दूसरा व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। कितने गौरव, कितनी महान, कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था, कितनी पवित्रता का ये पद है। महामहिम शपथ दिलाते हैं देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और महामहिम को शपथ दिलाने का काम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं जब उन्हें शपथ दिलाई जाती, नियुक्ति होती है। तो ऐसे बहुत सम्मान का पद है, लेकिन अब लोगों का क्या, लोग तो हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसलिए चीफ साहब को भी कहना पड़ा कि लेकिन मैं ट्रोल हो रहा हूं, लेकिन मैं भविष्य के लिए ये काम कर रहा हूं, भविष्य के फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूं, फ्यूचर जनरेशन के लिए काम कर रहा हूं। तब लोग कोर्ट में भी दबी जुबान से कहने लगते हैं, क्या फ्यूचर जनरेशन हमारा ऐसे आने वाला है? क्या हमारी सोने की चिड़िया जगत गुरु देश ऐसे बनने वाला है? क्या मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय ऐसे लाएंगे? क्या अगले आगे योगी जी आएंगे तो क्या देश फिर ऐसा हो जाएगा? पता ही नहीं चलेगा मेल कौन फीमेल कौन, जेंडर कौन, शादी क्या, ये कब तलाक, ये सब किस तरह की? तो इस बात को लेकर उन्होंने ट्रोल वाली बात जो कही थी, ये इसी विषय को लेकर थी। गंभीर विषय था और दुखद विषय भी था, हम लोगों के लिए भी दुखद विषय था कि हमारे चीफ साहब के लिए लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, कह कह के, नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा, नहीं कोई नहीं होता मेल, कोई फीमेल नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई सेम सेक्स मैरिज होगी, हम करेंगे इसको, हमारे अधिकार है, निजता के अधिकार है। अब लोग ये भी दबी जुबान से फिर आगे कहने लगे जानवर वाली बात भी, कि हम तो जानवर से भी अब पिटीशन डालेंगे एपी सिंह जी, जैसे इस मामले से निपट जाओ, हम हमारी पेट के साथ डालनी है, हमारी इसके साथ डालनी है, बहुत अच्छे अच्छे फोटो दूंगा आपको एविडेंस में, आप कहोगे तो मैं वीडियो भी दे दूंगा उसके साथ, और चीजें दे दूंगा, और उपलब्ध भी है आज नेट पे, आज गूगल पे सब चीजें उपलब्ध है एनिमल्स के, आप एनिमल्स का नाम डालिए उसी के साथ की फिल्में आ जाती हैं, वीडियो क्लिपिंग आ जाती है। दुखद है हमारे देश में, जब
सब स्वास्थ्य के पैरामीटर कह रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट कह रहा है, विदेशी मैरिज एक्ट कह रहा है, स्पेशल मैरिज एक्ट कह रहा है, संसद कह रही है, विधानसभाएं कह रही, सब राजनीतिक दल कह रहे हैं, तो इसमें क्या ऐसी आफत है कि समलैंगिक विवाह सेम सेक्स मैरिज को जरूरी ही करना है? कई देशों में अपराध की श्रेणी में आता है, कई में नहीं आता है, जिनमें नहीं आता आज इस पर विचार, जिनमें नहीं आता है उन्होंने भी इस मामले में अपने संसद में चर्चा की, अपने पार्लियामेंट में चर्चा की, उन्होंने वहां डिस्कस किया, वहां उनके कुछ समर्थक मिले, वो एक अलग विषय है, लेकिन भारत में भी तो ये चीज होनी चाहिए। इसलिए इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात है, क्योंकि देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ा हुआ मामला है, इसमें इस तरह से करना गलत है। शादियों की जो हमारे यहाँ बड़ी भावनात्मक बात है, कितने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कैसे कर रहे हैं, जब हम उनसे कहते हैं नहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत योग्य है तो कैसे कमरे में कर लेंगे डिसाइड, मैंने कहा, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ दर्शकों से, मैंने मान लिया 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बहुत योग्य है, बहुत विद्वान, उनसे बड़ा विद्वान कोई दुनिया में नहीं है, मान लिया। इधर पिटिशनर के एडवोकेट हैं, 1 दर्जन 2 दर्जन कितने भी हैं, उनसे भी ज्यादा योग्य कोई एडवोकेट है ही नहीं दुनिया में। इधर रिस्पोंडेंट हैं, हम रिस्पोंडेंट, यूनियन ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, सब बहुत योग्य हैं, हम भी उनमें से हैं, हम कहते मैं योग्य हूं नहीं हूं पता नहीं, लेकिन वो सब योग्य हैं, सब तरफ योग्य हैं। तो क्या एक कमरे में बंद होके, चीफ जस्टिस साहब के कमरे में डिस्कशन होके 5 दिन चल जाए, 10 दिन डिस्कशन चल जाए, क्या पूरे देश की भावनाएं, पूरे देश के भाव, पूरे देश के लोगों की विचारधारा का नियंत्रण किया जा सकता है किसके द्वारा, ये विषय महत्वपूर्ण। सर एक मैं आपको इससे हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे, उससे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन उठाता है। मैन कोई कांसेप्ट नहीं है, तो वुमेन कोच क्या हुआ, मतलब आने के लिए सॉरी जी, दिस कवर है, पहले तो तुम ये बताओ अंदर कैसे आए, ये मिरांडा हाउस है, गर्ल्स कॉलेज। अरे गर्ल्स कॉलेज क्या होता है सर, हमने सीजीआई का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा कि मेन वुमेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे एडमिशन चाहिए सर इसके अंदर। ठीक है मैम, एक पिंक टिकट देना दोनों को, तक की लड़की लड़की लड़का क्या होता है मैम, ये कुछ नहीं होता, आप मुझे पिंक टिकट दो, मेरी सीट गिर जाएगी। सर मेरे को एंटर करना था, मुझे केजरीवाल जी से एक्स वाई, ये सब क्या होता है, ये एक्स वाई कुछ नहीं होता। सर मारो मत, सर नहीं घुसूंगा अगली बार से वुमेन टॉयलेट में। सर जब ये इस तरीके की चीजें होंगी तो कॉलेजेस का क्या होगा, जेल्स का क्या होगा, इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा, रिजर्वेशंस का क्या होगा, पर सबसे बड़ा क्या ये जो ये बात कर रहे हैं इससे पीडोफीलिया नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों में पीडोफीलिया एकदम से राइज अप करेगा। जी सर बिल्कुल, बच्चों में तो मैं बता रहा हूँ कितने ऐसे फैमिलीज हैं वो मुझे फोन करके कहती है एपी सिंह जी कितने दिन आपकी सेक्स मैरिज चलेगी, हमें सुबह उठ के जल्दी अखबार को उठा के छिपाना पड़ता है। सोचिए आप एक बार माता पिता की कितनी बड़ी चिंता कि उसमें हेडलाइन छपी होती है, उन्हें अखबार को गायब करना पड़ता है, कहीं ज्यादा दिन चले तो मैं अखबार वाले को ही, न्यूज़पेपर वाले को ही मना कर दूं थोड़े दिन के लिए, ज्यादा दिन अगर चलती हो आपकी तो चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, छपे जा रहा है, छपे जा रहा है, रोज सेक्स की बातें छपती हैं। तो हमारा परिवार संयुक्त परिवारों में जीने वाले लोग हैं, जहाँ बेटी बहन चाची मौसी दादी नानी काकी सब बुजुर्ग बार भी जीते हैं, और शादी एक केवल आनंद का विषय नहीं हमारे देश में, हमारी शादी भक्ति आस्था श्रद्धा परंपरा रीति रिवाज है, और बच्चों की संतति उत्पन्न के लिए आगे है, बुजुर्गों की अवस्था में बच्चों का ना होना, उनकी अवस्था देखना, उनके बारे में सोचना, उनकी चिंता करना, ये सब बच्चों का फर्ज होता है। माता पिता अपना जीवन बच्चों में लगाते हैं, फिर आगे बच्चे अपना जीवन उनके में लगाते हैं। तो ऐसा एक विध्वंसकारी कानून के रूप में ऐसा अगर बना तो देश के सभी धर्मों नस्लों जातियों के लिए बहुत ही विध्वंसकारी रहेगा, बहुत ही अप्राकृतिक ही है। जो लोग सीधे कहते हैं, एक कम पढ़े लिखे लोग कहते हैं साहब अप्राकृतिक अननेचुरल को आप नेचुरल बनाने लगे हो, क्या पागल हो गए सब लोग, जो अननेचुरल है उसको नेचुरल बनाने में लगे हो, कैसे डिसाइड होगा। मैं आपको दिखाऊं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन, ये है ये बुक है, इसमें सीधे एक्ट है, इसमें सीधे कहा गया है वुमेन के लिए,
वुमेन के लिए प्रोटेक्शन है, ग्रीव्ड आर अफेक्टेड वुमेन कैन कंप्लेन टू द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर सर्व। अब प्रूव ही नहीं हो पाएगा वुमेन कौन है, किस तरह से है, सेम मैन टू मैन बायोलॉजिकल जो बनाया गया है हमें बायोलॉजिकल। यहाँ पे एक मेरे को भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आ रहा है, क्योंकि मैन और वुमन तो रहेगा नहीं, तो डी वाई चंद्रचूड़ मैन की कैटेगरी में आएंगे या वुमन की कैटेगरी में आएंगे, मैं ये क्वेश्चन जरूर उनसे पूछना चाह रही थी। और हाँ, जब दो लोगों की शादी होगी तो उनकी पत्नी मैन है या वो पत्नी है, मतलब लाइक बिकॉज ही डजंट बिलीव इन ही बिलीव्स इन फ्लूइडिटी जेंडर। अब दो विवाह हुए अब, लेकिन ये देखने वाले। आज तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उनके फादर भी चीफ जस्टिस रहे थे मिस्टर चंद्रचूड़, उन्हीं की साइटेशन पढ़ के सुना दी गई, पिता की साइटेशन एज ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पुत्र को एज ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुना दी गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था 376 नेचुरल सेक्स ये सब इतना उन्होंने बड़े कमेंट्स किए थे अपने एक साइटेशन में, जजमेंट में, कि हमारी सभ्यता संस्कृत को इस तरह की बातें सोचना करना विचार करना तबाह कर रहा, बर्बाद कर देगा हमारे देश को, हमारा देश सार्वभौमिक है। तो इनके अच्छे विचार थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, किस तरह, शायद वो इंडिया में पढ़े होंगे इसलिए हुआ, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है, अगर चीफ साहब ऐसे हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। लेकिन ये विषय आगे आने वाला है, गार्जियनशिप का इशू आएगा, इंश्योरेंस का आएगा, बिल का आएगा, प्रॉपर्टी का आएगा, 125 सीआरपीसी आएगा, डीबी एक्ट आएगा, मेंटेनेंस वाला आएगा, और साथ में ये आएगा मुस्लिम लोग, एक सांसद ने, नाम नहीं लूंगा आपके चैनल पे, एक बहुत अच्छे परिचित सांसद हैं, उन्होंने फोन करके कहा कि साहब आप हिंदू मैरिज तो निबट लोगे, हमारे में हलाला कैसे होगा, कौन किसका हलाला करेगा, कहाँ करेगा। अब बड़ी बात आती है, ये हमारी शादी परंपरा रीति रिवाज वेद पुराण उपनिषद गीता महाभारत ये बहुत जन्म जन्मांतर से चले आए हैं, उसके आधार पर हमारा विवाह होता है, ये तो हिंदू संस्कृति हुई, उसी आधार पर कानून बना आजादी के बाद, उसी आधार पर स्पेशल मैरिज एक्ट बराबर चर्चा होके बनी। कानून बनने से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संविधान निर्मात्री सभा, जिसके वो अध्यक्ष थे, एक पूरी समिति ने इस पर चर्चाएं की, आज वो चर्चाएं भी कोर्ट में पढ़ी गई कि बराबर इस पर डिस्कशन हुआ, तब ये मैरिज एक्ट बने, एक दिन नहीं थे, वन डे नहीं था, कोर्ट से नहीं बना, वहां से बना। चलो ये तो वो हो गया, अब हिंदू मैरिज की तो बात आ गई, वेद पुराण उपनिषद गीता महाभारत इससे आगे ले लिया, अब आती है मुस्लिम धर्म, उसमें हॉली पुस्तक कुरान शरीफ है। अब क्या कुरान शरीफ को बदला जाएगा, क्या अल्लाह परवरदिगार ऊपर से कुरान शरीफ में चेंजिंग करेंगे, कुरान शरीफ पवित्र है, क्या हम इतना स्मार्ट हो गए, मॉडर्नाइजेशन हो गए पाश्चात्य सभ्यता के कि हम उसको ही बदलेंगे। अब हिंदू और मुस्लिम की बात हो गई, अब आती पवित्र सिख समाज की, सिख समाज के गुरु ग्रंथ साहब पे, क्या हम उस पर भी छेड़खानी करेंगे, हम उसको भी बदलेंगे, उसमें विवाह की पवित्रता रीति रस्म रिवाज को बदलेंगे, उसमें तो नहीं लिखा मेल मेल कर लो, फीमेल फीमेल कर लो जाके, उसमें तो है ही नहीं, उसमें तो बेटा बेटी लिखा होता है, सुपुत्र कन्या लिखी जाती है, कुंवर साहब और राजकुमारी लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। अब आते जैन समाज, ईसाई समाज, पारसी समाज, सबको कैसे बदल लोगे, सबकी पवित्र पुस्तकों को कैसे बदल लोगे, सबके धार्मिक रीति रिवाज को कैसे बदल लोगे, उस जो समाज में अप्लाई कैसे करोगे, आपने बना भी लिया लेकिन समाज में लागू कैसे करोगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस, देन चीफ जस्टिस थे मिस्टर दीपक मिश्रा, उन्होंने एक जलीकट्टू पर जानवरों का खेल होता था साउथ में तमिलनाडु में, उन्होंने यहां से बनाया कि जलीकट्टू खेल पर बैन लग, तमिलनाडु सरकार को नहीं पसंद आया, लोगों ने विरोध किया, उनकी असेंबली विरोध हुआ, एमएलए विरोध किया, सत्ता विपक्ष सब एक हो गए, सारे लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास आए ऑर्डिनेंस लेके, के लिए ऑर्डिनेंस, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑर्डिनेंस लागू कर दिया, का जलीकट्टू चलेगा, खेल है, हमारी परंपरा है, रीति है, रिवाज है, पद्धति है, धर्म है, संस्कृति है, हमारी साउथ के, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ठंडे बस्ते में दबा दिया गया। एससी एसटी पर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ऑनरेबल जस्टिस गोयल साहब ने अपने रिटायरमेंट वाले दिन किया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तभी एससी एसटी एक्ट बनना चाहिए, लेकिन वो फिर ऑर्डिनेंस आ गया, वो सब खत्म हो गया। तो ऐसा कानून बनाने में क्यों समय लगाया जा रहा है जो लागू ही नहीं हो पाए, अगर लागू नहीं हो पाएगा तो उसकी की वैलिडिटी क्या रहेगा, लीगल रिकॉग्निशन भी होना चाहिए सेम सेक्स मैरिज को, वो नहीं हो पा रहा है।
इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सदन में और विधानसभाओं में जो कि इम्पोर्टेंट स्टॉक होल्डर हैं उन पे बिना चर्चा किए अगर होता है तो देश के लिए दुर्भाग्य रहेगा। हम पाश्चात्य सभ्यता को उतना ही स्वीकार करते हैं जितना हमारी सभ्यता संस्कृत उसको परमिट करती है। पूरी तरह से अगर हम पाश्चात्य सभ्यता को स्वीकार करेंगे तो हमारा देश सोने की चिड़िया जगतगुरु नहीं रह पाएगा, फिर हमारा देश भारत माता की जय वाला नहीं रह पाएगा, क्योंकि दुनिया में भारत माता जय है, लंदन माता, चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता कहीं नहीं कहीं जाती हैं। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है जी। और इसमें एक चीज और है, आज को कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमें शादी करनी है, मतलब सेम सेक्स मैरिज करनी है। डीवाई चंद्रचूड़ एक स्टेप आगे गए, उन्होंने कहा सेक्स जैसा कुछ होता ही नहीं है, देयर इज अ फ्लूडिटी ऑफ जेंडर्स, सेक्स नहीं बोला, फ्लूडिटी ऑफ जेंडर्स, मतलब लड़की लड़की नहीं लड़का और बीच में 72। बाय द वे आजकल मैं अपने व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यंगस्टर्स में बात होती है 72 जेंडर्स की, प्लीज गूगल इट आउट कि 72 जेंडर्स क्या होते हैं, इवन आई डोंट नो, लेट्स डू इट एज अ होमवर्क फॉर आवर नेक्स्ट सेशन जी। इसमें अब बात करती हूँ कि बहुत सारे लोग, अब ये बहुत ऑफेंसिव मोड पर जा रहे हैं सर, क्योंकि एक माइनॉरिटी बोलती है सेम सेक्स मैरिज करने के लिए और आप उसको पूरे देश में लागू करने की बात कर रहे हो, एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल के लिए। कल को एक स्मॉल फ्रैक्शन और आ जाएगा जो बोलेगा हमें जानवरों से प्यार है, हमें गधे से प्यार है, हमें घोड़े से प्यार है, हमें हमें अपने कुत्ते से प्यार है, ये क्योंकि है, वी नो दिस काइंड ऑफ पीपल जिनका दिमाग खराब है एग्जिस्ट करते हैं। अभी भी है, अभी भी फिल्में आती हैं, अभी आप नेट पे देख सकते हैं, जानवरों के साथ फिल्में हैं, पेट के साथ हैं, उनके साथ हैं, घोड़े के साथ, गधे, जो आपने कहा घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, शी गॉड, सबके साथ हैं फिल्में, अवेलेबल हैं, बिल्कुल उस पर हैं। और क्या उसे भी वो आएंगे, इनको मान्यता मिल गई तो हमारी देखो कितना हमारा आनंद है, कितना हमारा प्यार है, हम तो इसके बिना नहीं रह सकते, हम तो इसके लिए सब कुछ करेंगे, ये तो हमारा है, हमारा अपना जीवन है, मेरा अपना अधिकार है, मेरा अपना जीवन है, मेरा अपना पेट है। तो फिर ये जो चीजें आएंगी उससे सिर्फ महामारी फैलेगी, महामारी भी फैलेगी और अप्राकृतिक चीजों के साथ प्रकृति भी जब नाराज होगी तो बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं प्रकृति के द्वारा कि अप्राकृतिक जब चीजें आती हैं, चाहे हमारे तीर्थ स्थल रहे हरिद्वार के ऊपर, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम पे इतनी तबाही आई, लोगों ने कहा लोग वहां भक्ति के लिए नहीं जाने लगे, लोग तो वहां हनीमून मनाने जाने लगे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो सारी तबाही, पूरी तबाही मिटा दी गई, केदारनाथ बद्रीनाथ सुरक्षित रहा, सब कुछ बराबर हो गया। तो प्रकृति के साथ जब आप खिलवाड़ करते हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे धरती हो, चाहे आकाश हो, चाहे पाताल हो, तो आपको उन सब समस्याओं से भी सामना करना पड़ता है जी। सर यहाँ पे एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, ये डी वाई चंद्रचूड़ या फिर इनके जैसे कई लॉयर्स या फिर जजेस जो ये बाहर से पढ़कर आते हैं, ये एक वेस्ट को इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ सेक्स की बात नहीं कर रहे हो, अब जैसे ये मैरिटियल सेक्स की बात की है इन्होंने पीछे, ठीक है कि मैरिटियल सेक्स में रेप हो सकता है, मैरिटियल रेप की बात की इन्होंने पीछे, इस तरीके के कई ऊटपटांग सिस्टम्स जो हमारे समाज को जोड़ के रखते हैं, एक संस्था बनाते हैं, एक सभ्यता बनाते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में या इनकी वोकिज्म में, इनकी सेकुलरिज्म में जी। सर नहीं, ये भी हमारी पिटीशन है, एक मैरिटल रेप पे भी है, उस पे भी सुनवाई होगी, उसमें कौशलेंद्र शर्मा है, उसके संरक्षक आयुष्मान पौरुषम बाल कल्याण फाउंडेशन है, उनकी तरफ से हमारी याचिका है, उसमें मैरिटल रेप के ही खिलाफ है। मैरिटल रेप भी वैवाहिक बलात्कार की अपराध श्रेणी में रखे, संबंधों को टूटेंगे, घर परिवार टूटेंगे, बिल्कुल। जिस देश में 76% बलात्कार के केस झूठे साबित होते हैं, 76% रेशियो है, वहां वैवाहिक बलात्कार के कानून से झूठे केसों की बाढ़ ही आ जाएगी, बहुत बड़ी बाढ़ आ जाएगी, सुनामी आएगी। और इसी आशंका को मद्देनजर रखते हुए यूपीए जो सेकंड का कार्यकाल था उसमें वैवाहिक बलात्कार कानून बनाने की सिफारिश को पूरी तरह से सिरे से खारिज किया गया था सरकार ने, केंद्र सरकार थी माननीय मनमोहन सिंह की, उन्होंने बिल्कुल नहीं चलने दिया, और यही बात अभी भी है, माननीय मोदी जी की सरकार में भी इस तरह का कोई कानून आने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस कानून से पत्नियों द्वारा झूठे केसों की बाढ़ आएगी। और वैवाहिक बलात्कार कानून बनने से आम जन जो एक इनोसेंट पर्सन है वो भी शादी से डर लगने लगेगा कि शादी तक तो ठीक है साहब, उसके बाद जो FIR होगी मैरिटल रेप उससे कौन निपटेगा, और सामाजिक जीवन से शादियां समाप्त होंगी, और इसी की तैयारी ये कर रहे हैं, इधर सामाजिक मैरिटल रेप लाएं, इधर शादियां समाप्त हो, इधर लोग सेम सेक्स मैरिज के तरफ चले, उधर फ्लोरिटी ऑफ
जेंडर चलने लगे ये इस तरह से, और संख्या से दिनों दिन फिर बढ़ती चली जाएगी, और प्रूव होगा नहीं, प्रूव होगा नहीं मैरिटल रेप, कहां से वीडियो लगाएंगे, बेडरूम में वीडियो लगाएंगे या अपने बेडरूम में जाने से पहले एक एफिडेविट साइन करेंगे कि आज इतने घंटे तक, इतने बजे तक जो हो शो होगा उसमें मैरिटल रेप नहीं होगा, इतने मिनट से जैसे हम पार करेंगे फिर हो सकता है मैरिटल रेप की सीमा आ जाए, घड़ी लगेंगी, सारे हर एंगल से कैमरे लगेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द अल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरे से टच इन करना चाहते हैं, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू क्रिटिसाइज मी, यू वांट टू राइट टू मी, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर।